यस गुड जॉब कौर, सिट डाउन। यस व्हाट इट मींस इंडस्ट्री, इंडस्ट्री दिस मच, इंडस्ट्री ऐसे मत देखिए, आंसर व्हाट इट मींस इंडस्ट्री। नो थैंक यू, यस सिट डाउन, यस कंटिन्यू। Human needs are the food, basic needs are food, shelter, clothing. Food, shelter, clothing. जहां पर यह बनाया जाता है उसको इंडस्ट्री कहते हैं. Wait. And what it means a factory? अच्छा फैक्ट्री जब इकट्ठी हो जाती है एक जगह पर बहुत सारी फैक्ट्री लगा दो इंडस्ट्री बन जाती है. फैक्ट्री को ही इंडस्ट्री कहते हैं. हम कंफ्यूज क्यों कर रहे हैं अपने आप को? हमें यूज करनी चाहिए एक ही टर्म, इंडस्ट्री और आइदर द फैक्ट्री. Both are synonyms. Very good. Then you, Jareth. It's industry. Then what it means it's a factory? Factory. Turn wise. Very good. Example. साइलेंस ओके दैट इज द इंडस्ट्री असेंबलेज ऑफ द मोबाइल फोन रेडमी इन इंडिया इज द इंडस्ट्री रेडमी इंडस्ट्री लोकेटेड इन इंडिया बिकॉज देयर पार्ट्स दे आर असेंबल्ड इन आवर कंट्री ओके देन व्हाट इट मींस द फैक्ट्री हां वेट टर्न वाइज यस अच्छा सारी फैक्ट्रीज यहाँ असेंबलेज होती है ओके सिट डाउन यस यू नो इट विल बी नोन एज इंडस्ट्री और अ फैक्ट्री इंडस्ट्री पहले आप कह रहे वहां फैक्ट्री और यहाँ इंडस्ट्री है असेंबलेज यहाँ हो रही है अब आप कह रहे हैं कि यहाँ पे असेंबलेज हो रही है पर वहां पे बन के आ रहा है इसलिए इंडस्ट्री वहां है फैक्ट्री यहाँ पर है But Laksh Jareth said, when the raw material transform into the goods, usable items is known as an industry. वो सही है अपनी जगह. आप भी कह रहे हैं वो सही है. पर दूसरी चीज आप कह रहे हैं, some materials they are brought from the China towards India for the assemblage. Where it has assembled, it is known as a factory. और जहाँ से लाया जा रहा है उसको industry कहा जा रहा है. आप ये कह रहे हैं. गलत कह रहे हैं. पनिका, complete करो. फैक्ट्री ओके वेरी गुड दिया कंपाइल कर दो सब कुछ वेरी गुड किसी ने कुछ कहना है आपने कुछ उल्टा कह दिया उन्होंने सही कहा था आपने उसको अपोजिट कर दिया उन्होंने ये कहा रॉ मटेरियल ट्रांसफॉर्म इनटू द यूजेबल आइटम मोबाइल फोन जो रेडमी का बनकर आ रहा है उसके जो पार्ट्स हैं वो यूजेबल आइटम नहीं है वो वेस्ट है एक डिस्प्ले आ जाते हैं डिस्प्ले को आप कैसे यूज करोगे डिस्प्ले को स्विच के अंदर थोड़ी ना लगाओगे आप जब उसके साथ वो पार्ट्स लगेंगे तब वो मोबाइल वर्क करना स्टार्ट करेगा पर आप कह रहे हैं फैक्ट्री वो है जहां पर वो असेंबलेज हो रही है और इंडस्ट्री वो है जहां से वो रॉ मटेरियल आ रहा है आप ही ने कहा अभी हाँ जी सो इंडस्ट्री यस कमनूर इज द लास्ट उसके बाद मैं बोलूंगा So industry is a place where the raw materials they are transformed into the usable items through the manufacturing processes. This is the product which has obtained from the one particular place. Raw material use किया गया, plastic use किया, cotton use किया गया, ठीक है? उस चीज को एक जगह लाकर assemble बनाकर transform करके उसे usable item market में उतारा गया, ठीक है ना? दूसरी चीज, factory is a place where the different stages associated with the manufacturing done in a different places for example isme do jo raw materials hai ek plastic laga hua hai second one is the cotton ek jagah se one factory has used a plastic for the transform the making as a shape to the duster usme cotton nahi laga wo usable item nahi hai it is a waste
अभी तक वो नहीं, वो रॉ मटेरियल ही कहलाएगा। दूसरी फैक्ट्री में जाएगा, इस डस्टर के बॉक्स के ऊपर कॉटन लगाया जाएगा, देन इट विल बी एज अ यूजेबल आइटम, ठीक है ना। अगर आप बैट की बात करो, बैट के लिए वुड लिया जाता है, वुड विच हैज ऑब्टेन फ्रॉम द वन प्लेस, उसको पहले शेप दिया जाता है, वुड ब्लॉक्स को काटा जाता है, ठीक है, काट के उसे शेप दिया जाएगा, इट विल बी अकर इन वन प्लेस। उसके बाद सेकंड फैक्ट्री में भेज दिया जाएगा, वहां पर उसको रिफाइनिंग होगी उसकी। थर्ड फैक्ट्री में जाकर उसके ऊपर लेबल्स लगेंगे, स्टिकर लगेंगे, अलग अलग हो रहा है, सेपरेट हो रहा है, इट इज जनरली अकर इन अ फैक्ट्रीज, क्लियर। बट इन अ वन प्लेस इज देयर वेयर द वुड ब्लॉक्स दे आर डायरेक्टली ट्रांसफॉर्म इन टू द बैट्स, और बैट मार्केट में आ रहा है उसको यूजेबल आइटम का, वो इंडस्ट्री। इंडस्ट्री इज बेसिकली एज अ प्लेस वेयर द रॉ मटेरियल ट्रांसफॉर्म इन टू द यूजेबल आइटम थ्रू द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस, ठीक है, जहां ये मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस सेपरेटली होते हैं उसको फैक्ट्री कहते हैं। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज वेयर द कॉटन यूज फॉर द मेकिंग ऑफ अ क्लोथ, ठीक है, दिस इज अ क्लोथ, शर्ट बन के बाहर आ गई, उसको यूज किया जा सकता है। बट इन अ फैक्ट्रीज, यस इन फैक्ट्रीज द डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस एसोसिएटेड विद द मैन्युफैक्चरिंग दे आर डन एज अ सेपरेटली। फॉर एग्जांपल, वन फैक्ट्री इज डूइंग द वर्क ऑफ द गिनिंग, सेपरेटिंग द सीड फ्रॉम द कॉटन बॉल्स। सेकंड इंडस्ट्री हैज यूजिंग द सच कॉटन बॉल्स फॉर मेकिंग ऑफ अ थ्रेड यार्न, क्लियर। थर्ड फैक्ट्री हैज यूज्ड द सेम काइंड ऑफ अ थ्रेड फॉर मेकिंग ऑफ अ क्लोथ। क्लोथ अभी भी रॉ मटेरियल है, उसको यूज नहीं कर सकते, अब सभी थान का थान थोड़ा लपेट के घूमने लग जाएंगे, साड़ी थोड़ा लगा लेंगे, नॉट पॉसिबल टू रीयूज। फोर्थ वन फैक्ट्री, इट विल बी यूज्ड अ सच काइंड ऑफ अ क्लोथ फॉर डाइंग प्रोसेसेस। आफ्टर डाइंग द स्टिचिंग होगा, कटिंग स्टिचिंग होगा, उसके बाद मार्केट में प्रोडक्ट आएगा शर्ट की फॉर्म में, उस शर्ट को आप यूज कर सकते हो। ये फैक्ट्रीज में होता है। हाँ जी, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस, प्रोसेसेस जो स्टेजेस हैं वो सेपरेटली जहां रहे, दिस इज नोन एज अ फैक्ट्री। हाँ जी, मैन्युफैक्चरिंग जहां ये प्रोसेसेस सेपरेटली होते हैं उसको फैक्ट्री कहते हैं, फैक्ट्री। हाँ, वो इंडस्ट्री है, वो इंडस्ट्री, वो भी इंडस्ट्री है, दूसरी भी इंडस्ट्री है, जहां पे रॉ मटेरियल लाया गया, आयरन को लाया गया, रॉ आयरन ओर को लाया गया, उसको ट्रांसफॉर्म करके पार्ट्स बना के एक गाड़ी, फोर्ड की गाड़ी बनाकर मार्केट में बेच दी गई। फोर्ड की गाड़ी जहां से मार्केट में आ रही है कैलिफोर्निया में, वो भी इंडस्ट्री है। इंडस्ट्री इज ऑल्सो अ प्लेस वेयर द असेंबलेज ऑफ द मटीरियल्स, सोनालिका ट्रैक्टर्स इन होशियारपुर इज अ असेंबलिंग ऑफ द मटीरियल्स। वहां कुछ बनाया नहीं जा रहा है, दे आर असेंबलिंग द मटीरियल्स विच आर ब्रॉट फ्रॉम द डिफरेंट प्लेसेस। टायर नहीं बना रहे हैं वो, मशीन पार्ट्स, इंजन के पार्ट्स नहीं बना रहे हैं वो, हर चीज को अलग अलग जगह से लाकर असेंबल कर रहे हैं, ठीक है ना, जहां से वो अलग अलग सेपरेट चीजें आ रही हैं, दीज आर द फैक्ट्रीज, क्लियर। सो इन ब्रिटिश एज, हाँ जी, इसलिए मैंने बैट का कुछ कहा था। एक ही जगह पर है, ओनर इज अ सिंगल ओनर, जिस जहां पर ये 12 फैक्ट्रीज जो कह रहे हो अलग अलग हैं, वो ओनर एक है, वो इंडस्ट्री है। आप कैलिफोर्निया चले जाओ जहां पर फोर्ड की इंडस्ट्री है, ठीक है, क्या करते हैं, आयरन लाया जा रहा है, आयरन को मॉडिफाई करके, मोल्ड करके उसको डिफरेंट शेप्स में दिया जा रहा है, ठीक है, उसको फिर सेकंड स्टेज पे भेजा जाता है, बॉडी का स्ट्रक्चर बनाया जाता है, सॉरी कार का स्ट्रक्चर बनाया जाता है। थर्ड लेवल पे जाकर उसके अंदर इंजन फिट किया जाता है। फोर्थ लेवल पे जाके उसके ऊपर सीट कवर जो भी है लेदर है चढ़ाया जाता है। फिफ्थ लेवल पे जाके उसके ऊपर पेंटिंग का काम किया जाता है। दीज आर द स्टेजेस, दीज आर कलेक्टिवली अकर इन अ वन प्लेस। जहां एक जगह पर ये अलग अलग होगा वो इंडस्ट्री है, जो अलग अलग ओनर्स होंगे वो फैक्ट्रीज हैं। सो ड्यूरिंग द ब्रिटिश एज द न्यूअर इंडस्ट्रीज केम इनटू एग्जिस्टेंस, दिस प्रोसेस इट वाज नोन एज इंडस्ट्रियलाइजेशन। द इंडस्ट्रियलाइजेशन बिगन इन यूरोपियन कंट्रीज इन 16th century, इन 16th century एट द अर्लियर। In this process, the first cotton textile industry of a world, it was located in England, London. London mein pehli cotton textile industry lagi thi. Afterwards, the number of industries concentrated towards the adjoining parts of London and the parts of Europe, Austria, Germany, in parts. Then they required as a raw material to complete the grid of a raw material. They moved towards African and Asian countries. Through this process, the process of a colonization began. क्लियर, कॉलोनीज बननी स्टार्ट हुई जहां से रॉ मटेरियल लाया जाता था फॉर द मैन्युफैक्चरिंग देयर कॉटन क्लोथ्स, एंड आफ्टरवर्ड्स सच कॉटन क्लोथ्स सोल्ड इन मार्केट्स ऑफ अफ्रीका एंड एशिया एट द हाई रेट्स। दिस वाज द प्रोसेस वाज नेम्ड एज इंडस्ट्रियलाइजेशन। क्लियर,
newer industries came into existence. Second one has a deindustrialization. Deindustrialization. Shivraj Bali. Deindustrialization. Industrialization means that newer industries came into existence. What it means is deindustrialization. Very good answer. Another good answer. Kamanu Singh. Re or D? D. Repeat करोगे? आपने mix कर दिया कुछ? उसे deindustrialization. When the larger industries ruined the small scale industries is known as a deindustrialization. When the cotton textile Sahil, sit down. When the large-scale industries these were set up by the Britishers during the colonial age, under their influence, the small-scale weavers which were present in an Indian society, they shut down their production centers or stopped their production. It was known as a deindustrialization. When the first cotton textile industry, it was set up in Bombay in 1854. So the large number of industries, these were set up adjoining parts of the Bombay, Ahmedabad, Rajkot, and Vadodara. Under influence of a large-scale industries, the smaller industries, local industries of India, when they stopped their production, it is known as the deindustrialization. Badi industries ke influence mein. Why? Because of the competition. Large-scale industries produce a material in a bulk, in a better quality, comparatively the handmade materials. People not prefer to purchase the expensive materials comparatively cheaper goods. Remember, Yog? Remember, deficiency of a raw material. Most number of raw cotton used by the large-scale industries of a cotton textile located in Maharashtra, Gujarat, which makes the deficiency of a raw material for a small-scale producers. They stopped their production. Clear? So this was known as a deindustrialization. Reindustrialization. Third. Yes. Example? No? Sit down. Ashpreet, she will help you. Example, when the small scale industries, they are developing in an area under influence of a large scale industries. कोई industry है, large scale है, उसके लिए सामान बनाना, जैसे आप कह रहे हैं सामान आ रहा है, उसको assemblage हो रहा है. सोनालिका ट्रैक्टर is a large scale industry. उसकी location होशियारपुर में supportive थी, access to the GNA in फगवाड़ा. वहां से access बन के आ रहे हैं, कहीं से टायर आ रहे हैं, नट बोल्ट आ रहे हैं. ठीक है, अलग अलग पार्ट्स को लोकेट किया जा रहा है उसके एडजॉइनिंग पार्ट्स में, स्मॉल फैक्ट्री सेटअप हो रही है. इट मींस एग्जांपल कोई और. अशप्रीत, अशप्रीत इनको डेक्स ऑफ चैप्टर. लेदर, लेदर बेस्ड इंडस्ट्री. वो आफ्टर इंडिपेंडेंस ड्यूरिंग कॉलोनियल एज. कॉलोनियल एज कॉटन क्लोथ्स. कैसे? प्रोड्यूस करना बंद कर दिया था. अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है. और बस चलो, कॉटन टेक्सटाइल की बात कर रहे हैं. When the large-scale industries is were set up in parts of Maharashtra and Gujarat, under their influence, the small-scale factories came into existence. Another example, iron and steel industry. During the colonial age, when the Britishers came to India, before of it, in India, in the central parts of the country, there was a kind of a tribal community which was known for the iron smelting, agarias. Iron smelting agaria community. That community familiar how to smelt the iron or obtain the iron from the iron ore. And they use such kind of iron and export towards adjoining states, princely states which were existing during the colonial age. Clear? But when Britishers, they set up the first iron and steel industry, Tisco in
जमशेदपुर वेन जमशेदपुर टिस्को टिस्को लोकेटेड बाय द जेएन टाटा जमशेद जी नसरमान जी टाटा इन 1907 एट जमशेदपुर जमशेदपुर 1907. So this industry started their production of a pig iron, the raw iron which can be modified into the any shape. Pig iron in 1911. In 1913, it started their production of a steel production. Clear? So with the location of agarias in adjoining parts of the Chhattisgarh, Jharkhand in a present day Odisha, parts of the Bihar, it support for the growth of a TISCO in a Jamshedpur because the raw iron after smelting it can be used for the use in that particular industry, large scale industry, which was set up in Jamshedpur, clear, in 1907. So, 1916, you have put centuries in centuries, or three centuries, no meaning? 2000 years ago? Because weaving process familiar in a Harappan civilization also, around 5,000 years ago. What time did you talk about that time? What was in the 18th century? Languages? कौन सी लैंग्वेज क्या था? हाँ नहीं नहीं हिंदी ही थी हिंदी थी इट वॉज एग्जिस्टेड इन इंडिया हिंदी ऑब्टेन फ्रॉम द देवनागरी स्क्रिप्ट ठीक है 38 वास्को डी गामा रीच्ड इन इंडिया एंड एट वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया एंड कैलिकट कैलिकट सो व्हेन दे रिटर्न दे मूव बैक टुवर्ड्स देयर कंट्री पोर्टुगल दे move with the number of spices and a cloth that kind of a cloth which move with them it were they were given the name to them as the to it as a calico calico word which has derived from the calicut third one bandhana or bandhani which has obtained from the process of a tying and a dyeing processes wait calico okay clear bandhana known in a parts of Rajasthan and Gujarat yes कहां से स्टीम इंजन विच लेटर मॉडिफाइड बाय द जेम्स वॉट मॉडिफाइड द स्टीम इंजन विच स्टार्टेड टू यूज इन अ स्पिनिंग जर्नी फॉर द डूइंग द प्रोसेस एज द स्पीडी मैनर क्लियर दिस मच फॉर टुडे रेस्ट ऑन टुमारो वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट वर द फैक्टर्स व्हाट वर द कंडीशंस रिस्पांसिबल फॉर द डिक्लाइन ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन ड्यूरिंग द कॉलोनियल एज